अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे अभी है दोपहर का टाइम। अब मैं जा रही हूँ किचन में, खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब और साथ साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। चलते हैं किचन में, शामी कबाब बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है शामी कबाब का पैकेट नेशनल का और चिकन बोनलेस। तो ये और ये दाल, मैंने चने की दाल मैंने एक घंटा पहले भगो दी थी, वो भी एक प्याली पूरी नहीं मैंने डाली, आधी प्याली डाली थी। और चिकन बोनलेस मैंने ज़्यादा डाला था तो एक घंटा मैंने भगो दिया था। अब मैंने उसमें से पानी निकाल दिया और चने की दाल में मैंने सारा चिकन ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने ली है एक प्याज, थोड़ी सी लहसुन और अदरक। अब इनको तीनों को काट के अब मैं इनमें चने की दाल चिकन में शामी कबाब का मसाला बना रही हूँ तो इनमें मिक्स कर रही हूँ। और इसमें अब मैं डाल लूँगी दो गिलास पानी। अब मैं डाल रही हूँ शामी कबाब का मसाला पैकेट वाला, आप कौन सा भी ले सकते हैं, शाह नेशनल, क्योंकि अभी मेरे पास नेशनल पड़ा था तो इसलिए मैंने नेशनल का बना रही हूँ। तो अब इन मसाले को डाल के हम थोड़ा मिक्स कर देंगे चमचे से, आप किसी भी चमचे से चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये पक रहा है और मैं इसको ऊपर ढक्कन रख रही हूँ, थोड़े आंच गैस की मैं कर रही हूँ कम। अभी भी ढक्कन हटा के देखा है थोड़ी देर के बाद में आई थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। ये पानी खुश्क हो जाए तो अब ये देखे बन रहा है, पक रहा है, अभी नहीं पका। तो फाइनली अब पानी सारा ख़त्म हो गया है, शामी कबाब का मसाला तैयार है। तो अब ये ठंडा होगा, उसके बाद अब ये थोड़ी देर के बाद मैंने रख लिया था, ठंडा हो गया है। अब ये कि मशीन में गरम गरम हम नहीं डाल सकते, मैं चॉपर में पीसी हूँ। तो अब यहाँ पे ये ठंडा हो गया है तो मशीन में डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ, सारा मसाला बना लेती हूँ। जल्दी से सारा मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ पे अब मसाला जो कि पीस चुका है, अब मैं वापस उसी देगची में रख रही हूँ जिसमें मैंने पहले बॉईल किया था। अब ये एक अंडा डाल रही हूँ, वो मैं ना पहले एक प्याली में चेक करती हूँ क्योंकि गर्मी के सीज़न में अक्सर अंडे ख़राब होते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इसमें नहीं डाला था, थोड़ा प्याली में चेक किया था, अंडा सही था, अंडा मिक्स किया। और अब इसके मैं बना के कबाब रख रही हूँ। पहले सारे कबाब इसी तरह गोल सारे कबाब बना के रख रही हूँ प्लेटों में। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने किया है तेल गरम। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब पक चुके हैं, अब मैं फ्राई पैन से इसको तेल से निकाल के अलग रख रही हूँ, प्लेट में डाल रही हूँ। इसी तरह बाकी भी सारे मैं पकाती जाऊँगी क्योंकि अभी दोपहर के खाने में हम खा रहे हैं शामी कबाब, तो सारे शामी कबाब बना रही हूँ। अच्छे लगते हैं आपको? शामी कबाब खा रहे हो आप? क्या खा रही हो? शामी कबाब खा रही हूँ। शामी कबाब खा रही हो? और ये पूरे सोफ़ा पे आपने ये क्या किया है, अपना घर बनाया है? ठीक है, खाना खाओ। तो अब यहाँ पे ब्लॉग को रखते हैं एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। बाय बाय, टेक